कक्षा पांचवी परिवेश अध्ययन झरोखा पाठ नंबर 4 हौसलों की उड़ान। वहीदा बोल बोलकर अखबार पढ़ रही थी। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में इरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीदा का छोटा भाई हामिद सुन रहा था। वहीदा की अम्मी ने पूछा कि क्या वह इरा सिंघल के बारे में पढ़ रही है। वहीदा ने कहा, हाँ अम्मी, अखबार के इस साक्षात्कार में इरा ने बताया है कि उन्हें रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। 7-8 साल की उम्र में इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस यानी पेटी बांधी जाती है जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इन समस्याओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें और भी कई शौक हैं, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इरा को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन इरा ने हार नहीं मानी। उनका कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।